बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हम किन किन लोगों के शेंगेन स्टेट्स, यूएसए, कनाडा और यूके वगैरह के वीज़े लगवा देते हैं और आइंदा भी किन लोगों के लगवाएंगे, वो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किन किन लोगों ने हमसे इन वीज़ों के सिलसिले में रबता करना है। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम लोग मज़ीद पैकेजेस अनाउंस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता कि पुर्तगाल में हमारा ऑफिस मौजूद है, हमारी लीगल टीम मौजूद है वहाँ पर, और पुर्तगाल के हवाले से हम बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा हमने काफ़ी अर्से से बंद किया हुआ है और कोरोना की बात हमने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम कोरोना के स्टूडेंट के हवाले से भी, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से भी पैकेजेस अनाउंस करने जा रहे हैं यूरोप के। और इसके साथ साथ जो है वो कनाडा की वीज़े की कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी आइंदा आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर, ख़ासतौर पर जो पुर्तगाल है, ये जो नए पैकेजेस हैं पुर्तगाल के, इसके हवाले से, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से जो हमारी लीगल टीम है वो इस सिलसिले में बड़ी बिजी है, तमाम तरह चीज़ें देख रही है, और जैसे ये चीज़ें रेडी होंगी तो मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक से या उसके बाद हम ये तमाम तरह चीज़ें स्टार्ट करें। अच्छा, अब आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किन किन लोगों ने हमसे रबता करना है, जिनके हम शेंगेन स्टेट्स, यूएसए, कनाडा, यूके के वीज़े कामयाबी के साथ लगवा के देंगे, और ये हमारा काम है। देखिए, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं और हम ये काम करके देते हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये कि वो लोग जो अपने घर वालों की मदद करना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, घर वालों का सहारा बनना चाहते हैं, तो वही लोग मेरे चैनल पर वीडियो देखें, मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ। अब ये जो गैर ज़रूरी तौर पर पब्लिक आ जाती है, चैनल पर जमा हो जाती है, वो समझती है कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पे, या टाइम पास करने वाली चीज़ें, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं आया करें, वो मेरी वीडियो नहीं देखा करें, किसी और यूट्यूब पे आप बहुत सारा मटेरियल मौजूद है उनके धूम धड़के वाली चीज़ें, तो उधर जाके देखा करें। जो गैर ज़रूरी पब्लिक है वो चले जाए, और जो सीरियस पब्लिक है जो अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती है, वही इसी चैनल पर सिर्फ मेरी वीडियो को देखा करें। सही है, ये मेरी आपसे पर्सनली गुजारिश है, और मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करता हूँ, उन्हीं लोगों की हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि काफ़ी पब्लिक जो है वो मुझे, आपको बताया कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कंपनी का ईमेल एड्रेस भी, कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी दिया हुआ। अब काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेजेस करते हैं और वो कहते हैं वकार भाई आप हमको जवाब नहीं देते। तो देखिए फ्रेंड, जवाब ना देने की सबसे बड़ी वजह यह कि जो बहुत बड़ी लोग हैं वो, उनका तरीकाकार क्या है कि वो, मैंने अगर जो आपको जो व्हाट्सअप का नंबर दिया है ये मैंने आपको इसलिए दिया ताकि इमिग्रेशन वीज़े के हवाले से जो आपके सवाल जवाब हैं मैं वो पूछें और मैं उनके जवाब दूँगा। बहुत लोग लिखे भेजते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आप खैरियत से हैं। अच्छा, इन इस तरह के सवाल के तो मैं जवाब नहीं देता हूँ, अगर इक्का दुक्का अगर मैं किसी को सवाल के जवाब, इस सलाम का जवाब दे दूँ उसके बाद वो मुझसे फिर सवाल पूछता है, तो देखिए भाई इस तरह नहीं करें। अगर मेरे पास रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के मैसेजेस आते हैं, और जिनमें से बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की होती है, सलाम दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो आपका नंबर दिया ये सलाम दुआ देने के लिए नहीं, मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता हूँ और उसके अंदर सलाम दुआ खैरियत हो जाती है, तो मैं खैरियत से हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर मैं खैरियत से नहीं हूँ तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँ। उसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं आप ये बताएं कि आपके पास वीज़े कौन कौन से मौजूद हैं, फिर कुछ लोग ये पूछते हैं आप बताएं कि पुर्तगाल का वीज़ा कितने का है, शेंगेन वीज़े के कितना खर्चा आ जाएगा, हॉलैंड में हम अगर विजिट पर आ जाएँ तो ये वीज़ा चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, तो इस तरह के सवाल आते हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ लोग सऊदीया में, यानी मिडिल ईस्ट में, यानी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम सब का, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी हमारे पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी है, हम जहाँ पर भी मौजूद हैं और जहाँ तक हम हो सकता है उन्हीं कंट्रीज़ में रहते हुए उनके हम वीज़े ग्रांट करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सऊदी अरब में रह रही हो, चाहे पब्लिक मिडिल ईस्ट यूएई में रह रही हो, कुवैत में रह रही हो, बहरीन में रह रही हो, पाकिस्तान में रह रही हो, इवन के साउथ अफ्रीका, कांगो रिपब्लिक में रह रही हो, जो लोग जिनका हम काम कर चुके हैं और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो काम तो हम करके देते हैं, लेकिन अगर आप गैर जरूरी सवाल पूछेंगे तो उनके जवाब हमारे पास नहीं आएंगे कि वीज़ा कितने का रखता है, कौन कौन से कोई वीज़े हमारे पास कोई टेबल में या कोई अलमारी में नहीं रखे हुए कि हम आप पासपोर्ट देंगे लगा के दे देंगे, इस तरीके से नहीं है। आपने क्या करना है, अब किन लोगों ने हमसे रबता करना है वो बता दूँ, सवाल किस तरह का पूछना है वो बता देता हूँ। आप हमारे को पूरा प्रोफाइल लिख के भेजें अपना, जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, सऊदी अरब में हैं, मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी हैं, साउथ अफ्रीका में, आप हमारे को अपना प्रोफाइल लिख के भेजें, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, अपना कुछ पूरा प्रोफाइल लिख भेजें, सलाम दुआ नहीं, अपना प्रोफाइल लिख के भेजें, फिर हम इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी देंगे और आपका काम भी करके देंगे। ये तो हो गई चीज़। अब किन लोगों ने हमसे रबता करना है, पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट से और बाकी जगहों से, उन लोगों ने जो जॉब करते हैं,
उनकी अच्छी सैलरी आ रही हो, अगर वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है तो उनकी सैलरी यूँ समझें कि तकरीबन 75 प्लस आ रही हो, तो फिर वो हमसे रब्ता करें और सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। अगर सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आ रही तो सैलरी स्लिप पे साइन होना चाहिए और उस सैलरी पे आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया हो और आपके वो सैलरी फिर आप अपने अकाउंट में जाके जमा भी करवा रहे हो। एक तो चीज़ हो गई है, वो लोग जो कारोबार करते हैं फिर उनके पास तमाम तर टैक्स के पेपर मौजूद होने चाहिए, FBR के मतलब 3 साल के पेपर मौजूद हों, 2 साल के हों, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ टैक्स पे किया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं फाइलर हैं, तो ऐसे फाइलर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की इनकम 6 लाख रुपये से कम हैगी उनको तो टैक्स ही नहीं पे करना, फाइलर वो भी हैंगे। तो फाइलर का मतलब ये है कि आपने कुछ आपकी इनकम से कुछ टैक्स जा रहा हो, तो उससे वीज़ा ऑफिसर ये अंदाज़ा लगाता है कि आप वाकई में टैक्स पे कर रहे हैं और आपकी इनकम है। इसके अलावा आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन हो, NTA नंबर हो और आपका बिजनेस अकाउंट हो, तो फिर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद होंगी तो आप हमसे रब्ता करिएगा, हम गारंटी के साथ आपका वीज़ा लगवा के देंगे। इसके साथ जो मिडल ईस्ट में जितने भी रहने वाले भाई हैं सऊदी अरब में और इसी तरीके से UAE में, तो उनके लिए और जो बहरीन ओमान वगैरह में, तो UAE सऊदी अरब वालों को बता दूं कि वो लोग जो मिडल ईस्ट में आज़ाद काम कर रहे हैं उनके लिए अब हमारे पास कोई सर्विसेज मौजूद नहीं है, उनके लिए सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुश्किलात को शांत फरमाए, क्योंकि आज़ाद काम करने वाले हैं, क्योंकि वो कफ़ील या अरबाब के अंडर में होते हैं, उनके पास किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं होता, वो खुद ही पैसे कमाते हैं, कफ़ील को भी देते हैं, और जो मिडल ईस्ट में रहते हैं वो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं और वो उनका कोई सिलसिला नहीं होता। तो जो आज़ाद काम करने वाले हैं उनके लिए हमारे पास कोई पैकेज नहीं है। माल्टा पैकेज था, अब वो भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, हमने हज़ारों मतलब काफ़ी लोगों के जब ये काम हो रहा था तो हमने करके दिया, और उस वक्त मैं काफ़ी लोगों से कह रहा था भाई अब हमसे रब्ता करें, लेकिन लोगों को बड़े नखरे आ रहे थे भाई हम माल्टा नहीं जाएंगे, माल्टा छोटा था आइलैंड है ये और वो है, अब वो काम भी ख़त्म हो चुका है, अब लोग रब्ता कर रहे हैं कि माल्टा का लगवा दें, बहरहाल वो सिलसिला ख़त्म हो गया। जो लोग आज़ाद काम कर रहे हैं और जो लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में, उनसे मेरा गुजारिश है कि वो अब हमसे रब्ता नहीं करें, हमारे चैनल दोनों चैनल के साथ अटैच रहें, यानी इस चैनल के साथ भी और जो हमारी कंपनी के नाम पर जो चैनल ट्रेवल एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स उसके साथ भी आप रबते में रहें, अटैच रहें, क्योंकि हम उस दोनों चैनल पर टाइम टू टाइम मुख्तलिफ पैकेजेस और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो जो मिडल ईस्ट में रहते हैं जिनकी सैलरी 3,000 रियाल 3,000 धरम से ज़्यादा है, या ओमान में जो लोग रहते हैं उनकी ओमानी रियाल में 500 रियाल से ज़्यादा सैलरी हैगी, और जो कुवैत और बहरीन में रहते हैं उनकी सैलरी अगर 500 कुवैती दिनार या बहरीन दिनार से ज़्यादा है, वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उनका वीज़ा लगवा के देंगे। ये हम करके देते हैं, हम लोग देखें प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग लीगल कंसल्टेंट्स हैं, हम कोई एजेंट नहीं है, ये काम हम करके देते हैं और ये करके देंगे। तो जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है कि इस तरह की कैटेगरी सैलरी है अकाउंट में आ रही है और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं यानी किसी शिरकत में मिडल ईस्ट में, तो आपको हम ये लगवा के देंगे आपको वीज़ा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से लोग हमसे रब्ता करें जिनका हम वीज़ा लगवा के देंगे, सिर्फ वही लोग हमसे रब्ता करें। इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में हम नए पैकेजेस अनाउंस करने जा रहे हैं, उस हवाले से भी अब हमारे चैनल के तहत अटैच रहे। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।